हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक फिर से हम वही कंटिन्यू रखेंगे जो हमने कल स्टार्ट किया था, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर क्लासरूम असेसमेंट। हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टेक्निक की थी असाइनमेंट, और आज हम सेकेंड टेक्निक करेंगे वर्कशीट, ठीक है। नाउ सबसे पहले आइए जानते हैं द नीड फॉर असेसमेंट टूल्स, जो आकलन संबंधी जो टूल्स हैं उनकी आवश्यकता क्या है। एवरी लेसन दैट टीचर टीच्स हैज एन ऑब्जेक्टिव। हम सभी जानते हैं कि जो भी टीचर लेसन टीच करता है उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु हैव अंडरस्टूड द लेसन आर एबल टू परफॉर्म टास्क दे कुडंट हैव डन बिफोर द लेसन, और जिसके अनुसार जो विद्यार्थी हैं लेसन को समझने के बाद कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसे करने योग्य हो जाते हैं, दैट दे कुडंट हैव डन बिफोर द लेसन, जिसे लेसन पढ़ने से पहले वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। And at the end of the lesson, teachers like to know whether or not the objectives have been realized. और lesson के अंत में उसकी समाप्ति पर जो teacher है वो अवश्य जानना चाहते हैं कि जो objectives है वो परिपूर्ण हुए या नहीं हुए, उद्देश्य प्राप्ति हुई या नहीं हुई। And for this they need assessment tool. और इसके लिए उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ती है, assessment tools की, ठीक है। These allow teachers to measure how well students have understood a topic. और ये tools teachers को क्या help करते हैं, उन्हें ये बताने में help करते हैं कि जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कितनी अच्छी तरह से उस topic को समझा, understand किया, ठीक है। और इन्हीं tools में जो है हमारा one of the most basic tool is worksheets, ठीक है। Teachers can ask students to complete worksheets, and how well the worksheet is complete is an indication of how well the students have understood the lesson. Means कि जो टीचर्स हैं वो विद्यार्थियों को जो है वर्कशीट्स कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं, और कितनी अच्छी तरह से वर्कशीट्स कंप्लीट की गई हैं ये इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेसन कितनी अच्छी तरह से समझ आया है, ठीक है। एंड विद दिस फीडबैक, इस प्रतिपुष्टि के साथ ही जो टीचर है कैन रिव्यू द लेसन, अपने लेसन को रिवाइज करवा सकते हैं, एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ जो अगर टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर में डिसाइड, इसके साथ ही टीचर डिसाइड कर सकती है दैट सम टीचिंग मेथड्स वर मोर इफेक्टिव देन अदर्स, की जो कुछ टीचिंग मेथड्स हैं वो दूसरों की कंपेटिवली क्या थी, ज़्यादा इफेक्टिव थे। एंड बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन मोल्ड फ्यूचर लेसन प्लान्स, और उन्हीं के आधार पर अपने फ्यूचर के लेसन प्लान्स हैं उनमें भी कुछ जो चीज़ हैं वो कर सकते हैं। दीज इंपॉर्टेंट टूल्स अलाउ बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और इसी के साथ ये जो टूल्स हैं वो टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों को अपने परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें हमने जाना कि जो नीड है वो असेसमेंट ऑफ टूल्स क्यों है, ठीक है, असेसमेंट टूल्स की आवश्यकता टीचर्स को क्यों पड़ती है। आइए, टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। अब जो तो मेन बेनिफिट है असेसमेंट टूल्स की वो क्या हैं, जो टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट होती है वो क्या करती हैं, स्टूडेंट की जो लर्निंग है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, उसको चेक करती हैं, उसको मॉनिटर करती हैं। एंड सेकेंड इज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग, ये उन एरियाज को आइडेंटिफाई करती हैं जहाँ स्टूडेंट है वो सीखने के लिए संघर्ष करते हैं, जहाँ उन्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ओके, सो दैट द इंस्ट्रक्टर कैन एडजस्ट देयर टीचिंग मैथड्स, और जहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो अपने टीचिंग मैथड्स को उनके हिसाब से एडजस्ट कर सके, ठीक है। नाउ अ वर्कशीट इन द वर्ड्स ओरिजिनल मीनिंग इज अ शीट ऑफ पेपर, अगर आप वर्कशीट का सिंपल अर्थों में मीनिंग समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वर्कशीट क्या एक सिंपल शीट ऑफ पेपर, ठीक है। अगर आपने नॉर्मली वर्कशीट्स देखी भी होंगी, आपको मिली भी होंगी, जिसमें क्या होती हैं कुछ भी जो टास्क होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। मीन्स कि यू हैव टू कम्प्लीट दैट टास्क ऑन द पेपर शीट। दे कम इन मैनी फॉर्म्स, मस्ट कॉमनली यू एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन स्कूल वर्क असाइनमेंट्स, ठीक है। इसमें बहुत तरह की जो वर्कशीट्स होती हैं जो रिलेटेड मोस्टली फेमस हैं वो है आपकी स्कूल वर्क असाइनमेंट जो स्कूल्स में यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो है टैक्स फॉर्म्स, अकाउंटिंग और अदर बिजनेस उनसे रिलेटेड हो सकती हैं। नाउ व्हाई यूज़ वर्कशीट्स, हम जो वर्कशीट्स हैं वो यूज़ क्यों की जाती हैं। Worksheets are generally popular with learners because they are usually non-intimidating and user-friendly as well as providing a finite exercise. हम कह सकते हैं कि जो worksheets हैं वो learners में बहुत popular हैं, क्यों, क्योंकि इसमें उन्हें तरह का कोई एक threatening नहीं होती उनके लिए, ठीक है, कोई like a warning ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, it is like a revision, हम कह सकते हैं। वर्कशीट की हेल्प से जो टीचर है वो उसे एज ए रिविजन करवा सकते हैं, ठीक है, एंड दैट रिविजन फिर भी आल्सो यूज फॉर असेसमेंट।
एंड प्रोवाइड अ फाइनाइट एक्सरसाइज मीन्स कि जो है इसमें मोस्टली वर्कशीट्स क्या होती हैं ऑफ वन और टू पेजेस, फिर लर्नर्स गेट रैपिड फीडबैक, और इसके द्वारा जो विद्यार्थी उनको जो फीडबैक है वो जल्दी मिलता है एंड कैन ऑफन जज फॉर देमसेल्व्स देयर ओन एबिलिटीज एंड प्रोग्रेस, और वो खुद अपनी योग्यताओं को अपनी प्रोग्रेस को ईजिली जज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कन्वीनियंट, इन्हें यूज़ करना ईजी है, ऑफन फ्री रिसोर्स फॉर टीचर्स, दे कैन ईजिली बी सेव्ड एंड प्रिंटेड एज रिक्वायर्ड, इन्हें आसानी से सेव किया जा सकता है, इकोनॉमिकली भी ये ठीक रहती हैं यूज़ करने के लिए, और इन्हें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिंट भी करवाया जा सकता है। नाउ फीचर्स ऑफ इफेक्टिव वर्कशीट्स, आइए देखते हैं कि इफेक्टिव वर्कशीट्स की फीचर्स क्या हैं। That there are many different types of worksheet, but we can discern some common features that tend to make any worksheets work better for your students when selecting or making a worksheet. इसके अनुसार कि different type of worksheets के features अलग होते हैं, लेकिन अगर हम अपने students के लिए use करना चाहते हैं, अपनी worksheet को हम better बनाना चाहते हैं, effective बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या characteristics, क्या क्या features होने चाहिए। Let us see. It should be clear, स्पष्ट होनी चाहिए। क्लियरली लेबल्स क्वेश्चंस, टास्क विद नंबर और लेटर्स, इसमें जो क्वेश्चंस है वो प्रॉपरली लेबल होनी चाहिए, ठीक है। वी रेफर टू ओनली ड्यूरिंग फीडबैक, जिससे जो फीडबैक है वो आसानी से मिल सके। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फिट फॉर पर्पस, सीधे स्पष्ट होने चाहिए, उद्देश्य से संबंधित होने चाहिए। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, कलर एक्सेट्रा डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट्स यूजफुलनेस, कोई भी अनावश्यक जानकारी इसके अंदर या फिर नहीं होनी चाहिए। डिटेल, कई तरह की ऐसी चीज़ें जो इसकी उपयोगिता में बाधा डालें, ठीक है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्लियर कट होने चाहिए, ठीक है। और जिस उद्देश्य प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं उसे पूर्ण करें। इज एप्रोप्रिएट टू द एज लेवल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एज, उनका जो स्तर है, उनकी जो योग्यता है उनके अनुसार होनी चाहिए। कैन बी क्रिएटेड एंड स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर्स पे भी क्रिएट किया जा सके और उस पर सेव किया जा सके। दस ईजी टू एडिट, इसमें चेंजेस किए जा सके एंड प्रिंट रिपीटेडली, और अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें प्रिंट भी करवाया जा सके। एज एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन शुड बी have a font that is easy to read and large enough size, इसका font should be easy to read, समझने योग्य होना चाहिए, proper size होना चाहिए इसका, ठीक है। And should be accessible to the learner at level, और जो learner है उसके समझने योग्य होना चाहिए, unstable in a relatively short period, और ये जो worksheet है वो इतनी छोटी होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी है वो जल्दी से इसका आंसर दे सकें, because worksheets are not exam paper, एग्जाम पेपर नहीं है, ठीक है। Should have the easier tasks for success is motivational, जो स्टार्टिंग में वर्कशीट्स होनी चाहिए वो ईजी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ही जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, पहली सफलता होती है, वो विद्यार्थियों के लिए किसका काम करती है, लाइक अ मोटिवेशन, ठीक है। नाउ दे आर यूजफुल फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड प्रोग्रेस, और जो है वो बच्चों की प्रगति, उनकी अधिगम, उनके आकलन के लिए उपयोगी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो वर्कशीट स्पेशली टारगेटेड टू स्पेसिफिक एरियाज, अगर हम किसी विशिष्ट क्षेत्र में विद्यार्थी की अधिगम को चेक करना चाहते हैं, उनकी प्रगति स्तर को जांचना चाहते हैं, तो अगर उस पर्पस के लिए वर्कशीट बनाई गई है तो वो उसके लिए उपयोगी होनी चाहिए, ठीक है। दे आर फ्लैक्सीबल, उसमें लचीलापन होना चाहिए। कैन सप्लीमेंट टू ए टेक्स्ट बुक वेरी वेल, और ये पाठ्य पुस्तक के पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि अगर आप पाठ्य पुस्तक में से कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड जो वर्कशीट है वो जो आप उन्हें दे सकते हैं, ठीक है, जो उसकी लर्निंग जो है उसको आप ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। यूजफुल फॉर रिविजन प्रैक्टिस एंड टेस्ट प्रिपेशन, ये रिविजन प्रैक्टिस टेस्ट प्रिपेशन उसके लिए भी उपयोगी होनी चाहिए। दे कैन रीइंफोर्स इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी रीइंफोर्स मिलनी चाहिए इस तरह की वर्कशीट से। दे आर हैंडी फॉर होमवर्क, होमवर्क के लिए जो है इजी होनी चाहिए। सम वर्कशीट्स कैन बी टर्न इन द पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स, जो कुछ वर्कशीट्स हैं वो पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स में दी जा सकती हैं। हेल्पिंग डेवलप कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क स्किल्स, जिसके द्वारा जो कम्युनिकेशन है और टीम वर्क है स्किल्स है वो डेवलप होता है। एट लास्ट हम देखते हैं द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्कशीट्स इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में वर्कशीट्स को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर वन, मोटिवेट स्टूडेंट्स टू वर्क विदाउट द असिस्टेंट ऑफ टीचर, असिस्टेंस ऑफ टीचर। जो वर्कशीट्स होती हैं वो विद्यार्थियों को मोटिवेट करती हैं कि वो टीचर की हेल्प के बिना अपने काम को कंप्लीट कर सके, ठीक है, क्योंकि अभी हमने कहा कि ये उसी से रिलेटेड होती हैं जो टीचर द्वारा क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसी के रिविजन के लिए दी जाती हैं, तो जो इंडिपेंडेंटली हैं स्टूडेंट्स हैं वो इसको कर सकें, ठीक है, ये बेनिफिट होता है। सेकंड इज़ कैन असिस्ट द टीचर इन कोचिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इसके द्वारा जो विद्यार्थी है उनकी परफॉर्मेंस को ईजिली जज किया जा सकता है, इवेलुएट किया जा सकता है, ठीक है, कि उन्होंने कितना सीखा। नेक्स्ट इज गुड वे टू रिकैप व्हाट इज टॉट इन द क्लासरूम, इसमें है इसका अर्थ है रिकैप मीन्स कि क्लासरूम में जो भी पढ़ाया गया है वर्कशीट के माध्यम से आसानी से उसकी जो रिवीजन है उसे करवाया जा सकता है, ठीक है।
लास्ट वन इज़ एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिमेंबर व्हाट दे लर्न इन द क्लास, और ये विद्यार्थियों को जो भी क्लास में सिखाया गया है उसे याद रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इसकी क्योंकि अगर उनके माइंड में रहेगा कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट दी जाएगी तो वो जो भी क्लास में उन्हें टीच कराया जा रहा है वो उसे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगी। तो ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स ऑफ वर्कशीट्स। नाउ व्हाट वी स्टडीड इन टुडेज लेक्चर, मीनिंग ऑफ वर्कशीट, Why the worksheets are used in the classroom, what are the characteristics or features of effective worksheets, and the benefits of using worksheets in the classroom. Thank you.